संस्कार निधन धरती से। इन दिनों चर्चा में है कि भारत देश को भारत कहा जाए। ये बहुत ही चिंतनीय विषय है कि जिस देश की संस्कृति की पहचान और परिचय हमें भारत देश से मिलता है, वेद उपनिषद और हमारे शास्त्रों की जानकारी में जिस देश का नाम भारत लिखा हुआ है, उस देश को फिर से ये कहना कि उसे उसी नाम से पुकारा जाए। वस्तुतः ये स्थिति यूं हो गई है कि जब कभी कोई दूसरे भाषा का व्यक्ति, संस्कृति का व्यक्ति, देश का व्यक्ति किसी को अपने यहाँ नौकर रखता है तो वो उसका नाम नहीं बुला पाता है, और ऐसी परिस्थिति में वो पुकारने के लिए अपना नाम रख लेता है। भारत देश के साथ ऐसा ही हुआ। जब ब्रिटिशर्स हमारे शासक हुए, उन्होंने हमें गुलाम बनाया, तो उन्होंने अपनी सुविधा के लिए इस देश को इंडिया के नाम से पुकारने लगे। वो तो चले गए, लेकिन उसके बाद अभी भी हमें उसी नाम से पुकारा जाए इसकी एक आदत लग गई है, और इसमें बड़ी कुलीनता की अनुभूति होती है, और ये लगता है कि अभी भी वो लोग मुझे अपना समझते हैं। तो विदेशी गुलामी में आनंद की अनुभूति करने वाले वो कौन लोग हैं, और क्यों ऐसा है कि उन्हें इस नाम से अभी भी सम्मोहन बना हुआ है, जबकि महात्मा गांधी जी ने उन्हें इसलिए भी इस देश से खदेड़ना उचित समझा और जरूरी समझा क्योंकि वो खुद 19-20 वर्षों तक विदेश में रहे और इनकी मानसिकता को, इनकी प्रवृत्तियों से वो भली भांति परिचित थे, और उन्हें लग रहा था कि शासक होने के बाद जब देश की इतनी दुर्दशा कर रहे हैं, संस्कृति का इतना उलट फेर करने में लगे हुए हैं, तो ऐसे में अपनी भारतीय संस्कृति की उस विरासत को, उस धरोहर को बचाने के लिए भी आवश्यक है कि इन्हें इस देश से विस्थापित किया जाए, इस देश से उन्हें अलग किया जाए और हमारे अपने देश को स्वतंत्र किया जाए। भारत से बाहर जो किसान मजदूर रह रहे हैं उन्हें भारतवंशी कहा जाता है, क्योंकि वो भारतवंशी विरासत को संभाले हुए हैं और भारत भूमि से वो दूसरे देशों में पहुंचे हुए हैं। तो विश्व के विभिन्न देशों में रहने वाले इन भारतीयों को भारतवंशी जब कहा जा रहा है, जो 1834 से 1916 के बीच में किसान मजदूर के रूप में इन डच, फ्रेंच और ब्रिटिश कॉलोनाइजर्स के द्वारा ले जाए गए, तो जब उन्हें भारतवंशी कहा जा रहा है तो फिर भारत देश को भारत क्यों नहीं कहा जा रहा है। इसके साथ साथ शब्दों को ब्रह्म कहा जाता है, और हम बुद्धिजीवियों के पास, अपनी मातृभूमि के शुभचिंतकों के पास और आम जनता के पास यही शब्दों का ब्रह्म होना, यही ब्रह्मास्त्र उनका मूल अस्त्र है। इसी के द्वारा वो ईश्वर की भी उपासना करते हैं और इसी ब्रह्मास्त्र के द्वारा वो सरकार तक, या कहा जाए अपने व्यवस्थापकों तक, अपनी बात पहुंचाते हैं। भारत को भारत कहा जाना चाहिए इसलिए पूरी सांस्कृतिक विरासत की पूरी परंपरा को अगर देखा जाए, कालिदास ने संस्कृत में साहित्य लिखा और जिसे विदेश में बहुत महत्व दिया जाता है, तुलसीदास, कबीरदास, इन लोगों ने जो पूरा साहित्य लिखा, और भी हमारे चिंतक और मनीषी हुए हैं, जब भी उन्होंने अपने देशभक्ति की बात की है और अपने देश को संबोधित किया है तो उसे भारत नाम से संबोधित किया है। शिकागो में जाके जब विवेकानंद जी संबोधित करते हैं देश को और देश की अपनी पहचान बताते हैं, देश की जो शक्ति है, जो विरासत है, उसको वो भारत के नाम से ही संबोधित करते हैं।
जैसे ही भारत शब्द कहा जाता है, उसमें पूरी भारत की अस्मिता, पूरी सांस्कृतिक विरासत प्रस्फुटित होने लगती है। इसलिए मुझे लगता है कि ये जो ऐतिहासिक दुर्घटनावश जो दूसरे दूसरा नाम इस देश पर आरोपित हो गया था, उसे मुखौटे की तरह इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर 75 वर्षों में की इस यात्रा में भारत देश ने पूरे विश्व में अपनी अविस्मरणीय पहचान बनाई है, और उस अविस्मरणीय पहचान के तहत ये दायित्व बनता है कि विश्व को दिशा देने वाले, विश्व को रास्ता बताने वाले इस देश के लिए अब इसकी सांस्कृतिक विरासत को उसी नाम से पुकारा जाना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आभार व्यक्त करती हूँ अपने सभी श्रोताओं को, और मैं धन्यवाद देती हूँ।